दोस्तों, एलविश यादव इस समय दोबारा से उन पर एलविश यादव पर जनता का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फूटा है और कुछ लोग उनको ये भी कह रहे हैं कि भाई सिंपथी लेना और विक्टिम कार्ड खेलना अब बंद कर दो, अब बस हो गया। तो आखिर इन सभी चीज़ों की वजह से आखिर किस लिए एलविश यादव को दोबारा से जो है ट्रोल किया जा रहा है और किस लिए एलविश यादव को ये सारी बातें कही जा रही हैं कि भाई थोड़ा सा आपको अब सिंपथी कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना पड़ेगा। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज। मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात बहुत नई नहीं है, बहुत पुरानी है कि भाई एलविश यादव जब भी उनको कोई एक्सपोज करता है या उनके बारे में कोई सोशल मीडिया पर बात करने लगता है और उसके बाद जब वो बातें गति पकड़ती है यानी कि रफ्तार पकड़ती है और बहुत सारे लोग उस बात से अग्री करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद एलविश यादव एक नाम दे देते हैं कि भाई ये पेड पीआर चल रही है या फिर ये पेड कैंपेन चल रहा है मेरे खिलाफ। लेकिन एलविश यादव कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको एक्सपोज किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही एक ट्वीट इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको सबसे पहले तो वो बता देता हूँ और वो सुना देता हूँ और उसी के साथ साथ कैसे एलविश यादव का ही ट्वीट था वो जिस पर रिप्लाई किया गया है इसको। एलविश यादव ने ट्वीट पहले किया था, आप देख सकते हो ये ट्वीट है एलविश यादव का। एलविश लिखते हैं टूलकिट एक्टिव, जिसके बाद एक बहुत बड़े भाई मतलब कहीं ना कहीं ये तो खुद भी कहते हैं कि अगर न्यूज़ हमसे नहीं है तो आप विश्वास मत करिए कि वो न्यूज़ होगी। वो लिखते हैं तुम्हारा यही एक्सक्यूज रहता है हर बार का जब लोग बैंड बजाते हैं और तुमको एक्सपोज करते हैं। पहले अभिषेक मल्हान पे पेड़ पीआर का एलिगेशन भी लगाया था, ये अच्छा है तुम्हारा जब लोग बैंड बजाए तो टूल किट पीआर का एक्सक्यूज दो, एक्सेप्ट करो लोग एक्सपोज कर रहे हैं, बात ख़त्म। उसके बाद कोई लिख रहा है कि छपरी विल ऑलवेज कीप क्राइंग। उसके बाद कोई लिख रहा है कि बात सही है भाई। उसके बाद कोई लिख रहा है कि डोंट आर्ग्यू बिकॉज ये बंदा यानी कि एलविश कभी मान ही नहीं सकता है कि इसकी कोई गलती है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।